अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा, पीएचडी में दाखिले के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका ये सिलेबस है। और इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट फैकल्टी ऑफ आर्ट सब्जेक्ट उर्दू। तो उर्दू जो सब्जेक्ट है, उर्दू विषय का इसमें पूरा सिलेबस है, जिससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चंस बनेंगे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में। और प्रकाशक कुल सचिव बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, ये हिंदी में लिखा हुआ है, फॉन्ट का प्रॉब्लम है इस वजह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सिलेबस है पीएचडी का और सब्जेक्ट है उर्दू का। अब इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी में दाखिले के लिए जो टेस्ट होता है उसका ये सिलेबस है, सब्जेक्ट उर्दू। अब जो आपका पेपर होगा उर्दू का पीएचडी के लिए टेस्ट में, वो 100 नंबर का पेपर आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 100। तो 100 नंबर का टोटल क्वेश्चन प्रश्न रहेगा और 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 100 नंबर। अब इसमें आते हैं तो पेपर में दो पार्ट होंगे। पहला है सेक्शन ए, जिसमें होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर के रहेंगे। और दूसरा पार्ट होता है आपका सिलेबस का, यानी जो सब्जेक्ट आप लेंगे, अगर उर्दू है तो उर्दू से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 50 नंबर के और 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से टोटल पेपर जो आपका होगा वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें 100 मार्क्स रहेंगे। आइए देखते हैं डिटेल। तो इसमें सेक्शन ए है रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस सेक्शन से 50 क्वेश्चन बनेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। इसमें पहली जो है यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है आप देख सकते हैं, फिर सेकंड यूनिट है, फिर थर्ड यूनिट है, और उसके बाद चौथी यूनिट है, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, यानी 5 यूनिटों में रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी डिवाइडेड है। और इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, इसका आपको यहाँ पर डिटेल दिया गया है। अब आगे के देखते हैं तो सेक्शन बी है, यानी पार्ट सेकंड। सेक्शन बी जो होता है वो सिलेबस होगा आपका, आपने एमए इन उर्दू जब किया है तो जो सिलेबस होता है लगभग वही है, या उर्दू जो भाषा है उससे रिलेटेड पूरी चीज़ें हों उसमें आती हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है, इसमें भी 5 यूनिट है और सेक्शन बी से भी 50 क्वेश्चन बनेंगे, 50 नंबर के रहेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं पहली यूनिट है, उसमें जो भी अलग अलग पार्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः भाग हैं उसमें। फिर उसके बाद यूनिट सेकंड में है तो आप देख सकते हैं उसमें भी अलग अलग हैं। फिर उसके बाद ये सभी चीज़ों को आपको टॉपिक है, इनको अच्छे से तैयार करना है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में बनेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन जो टॉपिक है इनकी तैयारी आपको बेहतर तरीके से करनी है। फिर यूनिट थर्ड है और फिर उसके बाद ये सभी चीज़ें हैं यूनिट थर्ड में। फिर है यूनिट फोर्थ, तो यूनिट फोर्थ में आप देख सकते हैं ये सभी चीज़ें हैं। फिर है यूनिट फिफ्थ, पांचवी यूनिट में ये सारी चीज़ें हैं। अब इनकी जो है आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है, जितना भी ये उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है इसमें सिलेबस आपका ये दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसमें आपको रेफरेंस बुक भी मिलेगा, जिसमें आप इन सभी जानकारियों को हासिल कर पाएंगे, रेफरेंस बुक। तो वाजिब जानकारी जो है इन किताबों से आप हासिल कर सकते हैं,
अगर आपके पास मौजूद है ये किताब तो बेहतर है, अगर मौजूद नहीं है तो आप इंटरनेट की मदद से इन सब टॉपिक्स को वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप उनकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं ताकि आप अपने पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दाखिले की परीक्षा में बेहतर कर पाएँ। और ये सभी टॉपिक जो हैं आपको इन रेफरेंस बुक्स में आसानी से मिल जाएंगे, तो आप ये रेफरेंस बुक सर्च कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है इंटरनेट की मदद से इन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को आप सर्च करेंगे तो ये सभी टॉपिक्स आपको इंटरनेट में आसानी से आपको मिल जाएंगे और आप उन्हें तैयार कर पाएंगे। तो इंटरनेट की मदद से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये रेफरेंस बुक हैं, इन किताबों से भी आप अपनी जानकारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर कर पाएंगे। तो इन सब रेफरेंस बुक को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। और ये पूरी लिस्ट है किताबों की जिनमें ये सभी जानकारियाँ आपको हासिल हो पाएंगी। बस इतना ही है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।